हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस आवर थर्ड चैप्टर दैट इज सेंसेस एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। आज हम कलेक्शन ऑफ डेटा के टू मेथड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। एक मेथड को डिटेल में लेके चलेंगे, सेंसेस मेथड। सैम्पल मेथड को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हमने कहा कि एवरी इंडिविजुअल हु इज़ यूजिंग द स्टैटिकल टेक्निक्स इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। देर आर टू मेथड्स ऑफ सर्वे टू कलेक्ट डेटा। जो भी इंडिविजुअल बेटा जो स्टैटिकल टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, डेटा का कलेक्शन करते वक्त, डेटा का सर्वे करते समय वो टू टेक्निक्स, टू मेथड्स का यूज़ करता है, दैट आर सेंसेस मेथड एंड सैम्पल मेथड। ठीक है, हमने बेटा लास्ट जो हमारा चैप्टर था वो हमारा था कलेक्शन ऑफ डेटा। उसमें हमने ये कहा था कि डेटा जो होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। एक हमने बताया था प्राइमरी डेटा और एक बताया था सेकेंडरी डेटा। फिर हमने प्राइमरी डेटा के बहुत सारे कलेक्शन के मेथड्स पढ़े थे। आफ्टर दैट हमने सेकेंडरी डेटा के बारे में पढ़ा था कि सेकेंडरी डेटा जो होते हैं वो ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूट के द्वारा कलेक्टेड डेटा होते हैं और जिनको सेकेंड टाइम पे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ रहे हैं, डेटा के कलेक्शन के मेथड्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम सेंसेस और सैम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों मेथड होते हैं, सेंसेस और सैम्पल मेथड, ये वो मेथड होते हैं जो प्राइमरी डेटा के कलेक्ट करते वक्त यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो डेटा कलेक्ट होंगे वो क्या होंगे, फर्स्ट हैंड डेटा होंगे और उनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी डेटा बोलेंगे। तो हमने ये कहा कि फॉर डिस्कसिंग द अबव मेथड, इन दोनों मेथड्स को डिस्कस करने से पहले इट इज़ नेसेसरी to have a clear understanding of terms population and sample। हमें इन दोनों methods को understand करने के लिए two terms की knowledge होनी चाहिए, that is population and sample। So we will understand what is population and what is sample। Population and universe means the inclusion of all the items in the field of statistical inquiry। हमने ये कहा बेटा जो भी हमारी statistical inquiry है वहाँ पर जो भी data है, अगर हम सब data को include करके अपनी statistical study कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, हम each and every item को read कर रहे हैं। तो जितने भी total items होते हैं that are population। Okay, क्या कहा हमने, let's suppose हमने ये कहा कि एक पर्टिकुलर कॉलेज है, ठीक है, वहाँ पर 2000 स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्या कर रहे हो, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को एनालिसिस कर रहे हो, एक ईच एंड एवरी स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हो। इसका मतलब आप, आपकी जो स्टैटिकल इंक्वायरी है उसमें जितनी भी पॉपुलेशन है आप सभी आइटम्स को इंक्लूड करके अपनी स्टैटिकल स्टडी कर रहे हो। तो जितने भी आइटम्स होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे और यूनिवर्स बोलेंगे। ओके, और अगर हम बात करें सैम्पल की, सैम्पल मीन्स सिलेक्शन ऑफ फ्यू आइटम्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल आइटम्स, मीन्स हम क्या करेंगे, जो हमारी पॉपुलेशन है या फिर हम कह सकते यूनिवर्स है, उसमें से कुछ आइटम्स को एज ए रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करेंगे और उन्हीं के बेस पे अपनी स्टैटिकल सर्वे करेंगे। जो भी हमारी स्टैटिकल स्टडी है उसको हम उन्हीं के बेस पे कंप्लीट करेंगे, उसी के बेस पे कंक्लूजन निकालेंगे। किसके बेस पे, जो फ्यू आइटम्स आपने सिलेक्ट किए हैं। ओके, तो हमने क्या कहा, जो फ्यू आइटम्स आपने सिलेक्ट किए हैं दैट आर सैम्पल्स। तो हम क्या कहेंगे, ए पार्ट ऑफ द होल पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल। जो पॉपुलेशन जो होती है उसका एक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, सैम्पल होता है। एंड द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन
इज टर्मड सैम्पलिंग, और जिस प्रोसेस के थ्रू हम सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग। ठीक है, तो पॉपुलेशन क्या हो गया, हमने ये कहा कि एक कॉलेज जो है उसमें 2000 स्टूडेंट हैं, तो टोटल आइटम्स कितने हो गए, दैट आर 2000, तो 2000 आर द पॉपुलेशन ऑफ अवर स्टैटिकल इंक्वायरी। ओके, और अगर हम ये कहें कि उन 2000 में से हमने 10 रिप्रेजेंटेटिव ले लिए जो हर प्रकार के स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, जो 10 स्टूडेंट है आउट ऑफ 2000 दैट आर सैंपल, और जिस प्रोसेस के थ्रू हमने उनको एज ए सैंपल सिलेक्ट किया उसको हम क्या बोलेंगे, सैंपलिंग। और वी कैन से, देखो हम एक पिक्चर दिखाते हैं आपको, लेट सपोज ये जो है ना एक बाउल है, इसमें 27 आइटम्स हैं। ओके, कितने आइटम्स हैं, 27, ठीक है, और उसमें से हमने क्या किया, 3 आइटम्स को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, 3 आइटम्स को हमने सिलेक्ट कर लिया एज ए सैंपल। तो देखो आप देख रहे होंगे कुछ क्या है, ब्लैंक है और कुछ क्या है, कलर्ड है। तो आपने क्या किया, जो ब्लैंक है वो ज़्यादा है और जो कलर्ड है वो क्या है, कम है, इसलिए जब आपने सैंपल सिलेक्ट किए तो आपने ब्लैंक वाले 2 सैंपल लिए और जो कलर्ड थे उनका क्या लिया, 1 सैंपल लिया, ठीक है। तो ये जो तीनों सैंपल हैं ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब हमने 27 आइटम्स को हमने क्या बोला, पॉपुलेशन, और उसमें से कुछ आइटम्स को हमने सिलेक्ट किया दैट आर सैंपल। ओके, तो हमने क्या कहा, हमने 2 चीजें समझी कि सैंपल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होती है, ठीक है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ वी विल डिस्कस आवर फर्स्ट मेथड, दैट इज सेंसस मेथड। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। हमने ये कहा जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन की जो भी प्रॉब्लम है, रिलेटिंग जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एनालिसिस करने के लिए, उसका कंक्लूजन निकालने के लिए जो भी हमारा स्टैटिकल स्टडी का एरिया है, वहाँ से हम जितने भी हमारे आइटम हैं उन सभी आइटम को कवर कर रहे हैं, उन सभी आइटम्स से इंफॉर्मेशन लेके हमारे स्टैटिकल सर्वे हम कर रहे हैं। इसका मतलब हमने क्या करना है, ईच एंड एवरी आइटम को कवर करना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इस मेथड को, सेंसस मेथड, ठीक है। सेंसस मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा आर कलेक्टेड कवरिंग एवरी आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन रिलेटिंग टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। अब इस मेथड की कहाँ पे स्टेबिलिटी होती है उसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने ये कहा बेटा इंडिया में हर 10 ईयर में पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, पॉपुलेशन को काउंट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, सेंसस ऑफ इंडिया, ठीक है, हर 10 ईयर में होता है। इससे पहले जो हुआ था वो 2011 में हुआ था सेंसस ऑफ इंडिया, और अभी जो होने वाला है वो कब होगा, 2021 में होगा। मतलब हर 10 ईयर में भारत की पॉपुलेशन की गणना की जाती है, ठीक है। जब 2011 में सेंसस किया गया था तो एक फैक्ट निकल के आया था कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो इंडिया जो है पॉपुलेशन के मैटर पे वर्ल्ड की सेकेंड कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखती है, ठीक है, और जो वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है दैट इज़ चाइना, ठीक है। तो हमने क्या किया था, जब हमने फॉर एस्टिमेशन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन, तो क्या होता है, हाउस टू हाउस इंक्वायरी इज कंडक्टेड। हाउस टू हाउस इंक्वायरी होती है बेटा, हर घर जाया जाता है, जो भी एनुमरेटर होता है, इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो हर जगह पे जाता है, ठीक है। इवन पीपल लिविंग एट द रोड साइड आर कंडक्टिंग
कंडक्टेड इन इंडिया, जो भी रोड साइड में भी रहते हैं ना उनसे भी डेटा कलेक्ट किए जाते हैं. सेंसस ऑफ पॉपुलेशन इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर. क्या होता है, जो भारत में सेंसस जो कंडक्ट की जाती है वो हर 10 साल में की जाती है. एंड द लास्ट सेंसस वॉज कंडक्टेड इन फरवरी 2011. कब हुई थी, फरवरी 2011 में हमारी लास्ट सेंसस कंडक्ट हुई थी इंडिया में. और जो हमारी नेक्स्ट होनी है वो 2021 में होनी है. ठीक है, तो सेंसस का मतलब क्या होता है, जब आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है ईच एंड एवरी आइटम को इंक्लूड करके. ईच एंड एवरी आइटम से आप इंफॉर्मेशन लेंगे और जो इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी उसके बेस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करोगे. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये मेथड जो है ये कहाँ पे सुटेबल रहेगा. सबसे पहले तो हमने कहा स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये बहुत डिफिकल्ट होता है बेटा, कि आपको ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना है और इन्वेस्टिगेशन का फील्ड बहुत लार्ज है तो बहुत डिफिकल्टी आती है. वहाँ पे क्या होता है, ओरिजिनलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है. तो आपको ये मेथड कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है, स्मॉल साइज जहाँ पे होता है पॉपुलेशन का, जहाँ पे आइटम्स कम होते हैं. लेकिन अगर हम बात करें सेंसस ऑफ इंडिया की, तो हमने कहा कि वर्ल्ड का सेकेंड जो पॉपुलेशन पॉपुलेटेड कंट्री है दैट इज इंडिया. लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, ईच एंड एवरी आइटम को कलेक्ट किया जाता है. क्यों कलेक्ट किया जाता है बेटा, क्योंकि सेंसस ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, गवर्नमेंट क्या है, वेलफेयर एजेंसी है, और गवर्नमेंट के द्वारा ये डेटा कलेक्ट किए जाते हैं. तो गवर्नमेंट जो है जो इंफॉर्मेशन लेती है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल फेथफुल होनी चाहिए. तो हम क्या कहेंगे, जो सेंसस ऑफ इंडिया है वो अंडर गवर्नमेंट होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, हर चीज़ की रिलायबिलिटी, हर चीज़ की ओरिजिनलिटी बहुत ज़रूरी होती है. इसीलिए क्या होता है, ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी किया जाता है. लेकिन ये जो पॉसिबल है जब लार्ज एरिया में सेंसस मेथड कंडक्ट किया जाता है, तो क्या होता है, बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कॉस्ट आती है, जो कि प्राइवेट जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं है. ये सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है. जब गवर्नमेंट सेंसस को कंडक्ट करती है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस इंकर करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को. तो उस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है कि कोई एक प्राइवेट एजेंसी जो है वो सेंसस कंडक्ट करा सके. इसलिए सेंसस क्या होती है, गवर्नमेंट के अंडर होती है. तो हमने क्या कहा, ये कहाँ पे सुटेबल होता है, जहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन स्मॉल रहे. ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा वाइडली डाइवर्स आइटम इन द पॉपुलेशन. अब देखो, अगर हमारे जो आइटम्स हैं वो सब एक दूसरे से डिफरेंट रहेंगे तो पॉसिबल ही नहीं है सैंपल निकालना. सैंपल कब निकालेंगे, सैंपल कब मेंटेन कर सकते हैं, हम कब सिलेक्ट कर सकते हैं, जब जहाँ पे आइटम्स जो हैं उनमें सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा रहे. तो वहाँ पे इजी होता है कि आप 15 लोगों को स्टडी मत करो, एक को स्टडी कर लो, इनफ रहेगा, क्योंकि ये 15 के 15 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. लेकिन अगर आपके आइटम्स जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, तो पॉसिबल नहीं है स्टडी करना, है ना. तो हमें क्या करना पड़ता है, ईच एंड एवरी आइटम को स्टडी करना पड़ता है, जब आइटम्स क्या रहते हैं, वाइडली डाइवर्स रहते हैं. बहुत अलग अलग प्रकार के आइटम्स अगर रहेंगे तो हमें हर एक आइटम को रीड करना पड़ेगा. नेक्स्ट है बेटा, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स. जहाँ पे इंटेंसिव एग्जामिनेशन की जरूरत होती है, बहुत गहनता के साथ आपको अध्ययन करना है, कोई बहुत बड़ी चीज आपको सर्च करनी है, तो आप क्या करते हो, ईच एंड एवरी आइटम को कलेक्ट करते हो. मे बी कोई एक आइटम छूट गया और जो आपको चाहिए था वो उसी से मिल सकता था, तो क्या होगा, आपके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया गया वो फेल हो जाएगा, आपका जो मिशन था उस तक आप पहुंच नहीं पाएंगे. इसलिए क्या होता है, ये जो मेथड है ये वहाँ पे सूट करता है, वहाँ पे सुटेबल होता है जहाँ पे एक्सटेंसिव एग्जामिनेशन करना होता है. ओके, नेक्स्ट है बेटा, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी. ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होता है, जहाँ पे आपको एक्यूरेसी चाहिए बहुत ज़्यादा और डेटा आपके रिलायबल होने चाहिए. ठीक है, मतलब आपके जो डेटा रहेंगे, कलेक्टेड डेटा रहेंगे, वो करेक्ट रहेंगे और उनके ऊपर आप रिलायबिलिटी रख सकते हो, उनके ऊपर आप इजीली विश्वास कर सकते हो. तो वहाँ पे क्या रहेगा, सेंसस मेथड सुटेबल रहेगा. ठीक है, अब बात आती है बेटा
कोई भी मेथड होता है उसकी कुछ ना कुछ मेरिट्स होती हैं और कुछ डिमेरिट्स होती हैं। ये हर किसी के साथ है, चाहे कोई भी है, सब में कुछ डिमेरिट्स होती हैं कुछ मेरिट्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले हमने कहा रिलायबल एंड एक्यूरेट। हमने क्या कहा? रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर एक्यूरेट एंड हाईली रिलायबल। दिस इज बिकॉज ईच एंड एवरी आइटम्स ऑफ द पॉपुलेशन इज स्टडीड। क्या होता है, हम क्या करते हैं, जितने भी हमारी पॉपुलेशन है उसके जितने भी आइटम्स हैं उनको हमने हर एक आइटम को बहुत डीपली स्टडी किया है, इसलिए जो हमारे डेटा रहेंगे डेटा रिलायबल एंड एक्यूरेट। ओके, नेक्स्ट होता है बेटा लेस बायस्ड। लेस बायस्ड का मतलब क्या होता है? रिजल्ट्स बेस्ड ऑन सेंसस मेथड आर लेस बायस्ड। बेटा जो सेंसस मेथड में जो भी रिजल्ट होता है ना उसमें बहुत कम भेदभाव की संभावना होती है, मतलब होता ही नहीं है, पार्शनैलिटी होती ही नहीं है। मोस्ट ऑफ क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से स्टडी की जाती है, इसलिए क्या होती है, बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो हर एक आइटम को रीड करता है, इसलिए क्या रहेगा ये मेथड जो है इसमें कम भेदभाव की पक्षपात की संभावना होती है। नेक्स्ट होता है बेटा एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू द सेंसस मेथड इज क्विच एग्जिस्टिव एंड देयर फॉर मोर मीनिंगफुल बिकॉज ऑल द आइटम्स ऑफ यूनिवर्स आर एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन सेंसस इन इंडिया गिव्स एग्जिस्टिव इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, देयर इज सेक्स कंपोजिशन, एजुकेशन स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड द लाइक। मीन्स हम क्या कह रहे हैं, हम क्या करते हैं, जब हमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन चाहिए तब हम क्या कर रहे हैं, इस मेथड का यूज़ कर रहे हैं। तो इस मेथड की यही अच्छाई होती है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मीन्स जो आपको चाहिए उससे भी कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डीप में जाके ये इन्फॉर्मेशन अचीव कर पाता है। जैसे कि हमने कहा कि हम क्या करते हैं, सेंसस ऑफ इंडिया कंडक्ट करते हैं, उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे डेटा इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे कि एज, किस एवरेज किस एज के लोग हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि भारत जो है एक युवा कंट्री है ना, तो क्या कहेंगे, भारत में जो है यंग जनरेशन जो है, यूथ जो है वो ज़्यादा है। तो ये कब पॉसिबल हुआ, जब हमने सेंसस कंडक्ट किया था उस टाइम पे हमने एज ली थी सब लोगों की, तब हमें पता चला कि भारत के मोस्ट ऑफ जो पीपल्स हैं वो क्या है, यंग है। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं बेटा सेक्स कंपोजिशन। हम कह देते हैं कि लिंग अनुपात कम है, यहाँ पे लिंग अनुपात कम है, यहाँ पे 1000 पे इतनी लड़कियां हैं, 1000 लड़कों पे इतनी लड़कियां हैं, और हर जगह पे जो सेक्स कंपोजिशन है वो कम है ना। तो हम क्या कहेंगे, ये अब कैसे पॉसिबल हुआ, जब हमने सेंसस को कंडक्ट किया, हम एजुकेशन के बारे में कहते हैं कि केरला जो है वो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड एरिया है इंडिया का, है ना। फिर हम स्टेटस की बात करते हैं कि भारत में ना मिडिल क्लास फैमिली के लोग ज़्यादा रहते हैं। ऑक्यूपेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भारत में ना बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन आजकल क्या हो गया, उद्योग धंधों में लोग ज़्यादा काम करते हैं और सर्विस सेक्टर में लोग ज़्यादा काम करते हैं। तो हमने किसको पढ़ा, कंपोजिशन को पढ़ा। इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, ये जो मेथड है ये हमें एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन देता है। मीन्स ये मेथड जो है जितना हम स्टडी करते हैं उससे भी ज़्यादा स्टडी पॉसिबल हो पाती है इस मेथड के थ्रू। ओके, नेक्स्ट है बेटा स्टडी ऑफ डाइवर्स करेक्टरिस्टिक। हमने क्या बताया, ये मेथड कहाँ पे सुटेबल होता है, जहाँ पे डाइवर्स करेक्टरिस्टिक की यूनिवर्स होती है, मतलब जो भी आपकी यूनिवर्स है उसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नेचर के आइटम्स हैं। तो क्या रहेगा, ये मेथड आपके लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा इवन, है ना। नेक्स्ट होते हैं बेटा स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन। देखो व्हेन आइटम्स इन यूनिवर्स आर कॉम्प्लेक्स नेचर इट इज नेसेसरी टू स्टडी ईच आइटम, ओनली सेंसस मेथड कैन प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट, डेटा ऑन कंट्रीज पॉपुलेशन आर कलेक्टेड बाई दिस मैथड। हमने क्या कहा बेटा, जब आपको कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन करना है तो आप अगर सेंसस मैथड का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा,
ठीक है, जैसे कि आप इंडिया में जब भी पॉपुलेशन को कंडक्ट करते हो तो अगर आपको डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो आप कौन सा मेथड यूज करते हो, सेंसस मेथड यूज करते हो। इसलिए आपने क्या कहा, ये मेथड जहाँ पे कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन जो होता है, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन का नेचर कॉम्प्लेक्स है तो आपके लिए सेंसस मेथड ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट आपने कहा इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि आप करने तो कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट गए थे लेकिन कुछ और भी हो गई। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस मेथड कैन बी सक्सेसफुली यूज्ड इन इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड करप्शन। देखो, जब भारत में सेंसस मेथड की डेटा, सेंसस मेथड से पॉपुलेशन कंडक्ट की जाती है, पॉपुलेशन के आंकड़े लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, पॉवर्टी के डेटा भी इकट्ठे हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्या हुआ, एक इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो गया। मीन्स डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन तो क्या था, आपका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो क्या था, आपको पॉपुलेशन को कैलकुलेट करना है ना, लेकिन साथ साथ उसके क्या हो गया, पॉवर्टी के डेटा भी इकट्ठे हो गए कि कितने लोग ऐसे हैं भारत में जो गरीब हैं, ठीक है, और ये भी पता चल जाता है कितने लोग बेरोजगार हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट के भी डेटा इकट्ठे हो गए। तो इस मेथड की मेरिट होती है कि क्या होता है, ये इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन भी कर देता है डायरेक्ट के साथ साथ, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरिट्स में क्या आया, रिलायबल होती है, इनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है एक्यूरेट होती है, इस मेथड के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो लेस बायस्ड होती है, एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो ये मेथड आपके लिए अच्छा रहेगा, जहाँ पे डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक के डेटा होते हैं, आइटम्स होते हैं, वहाँ पे ये मेथड ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जहाँ पे आपका इन्वेस्टिगेशन की जो स्टडी का जो पर्पज़ है वो अगर कॉम्प्लेक्स है तो ये मेथड आपको ज़्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, और ये मेथड ऐसा है जिससे क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट बात आती है बेटा डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स का मतलब होता है इसमें क्या क्या कमियां हैं, इसकी कमियां क्या हैं। सबसे पहले तो कॉस्टली हो गया, आपने क्या कहा, सेंसस मेथड इज वेरी कॉस्टली एंड इज देयरफॉर जनरली नॉट यूज इन ऑर्डनरी इन्वेस्टिगेशन, ओनली द गवर्नमेंट और सम बिग इंस्टीट्यूशंस कैन अफोर्ड टू यूज दिस मेथड एंड दैट टू फॉर स्पेसिफिक पर्पज ओनली। क्या होता है बेटा, ये मेथड जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ता है, बहुत एक्सटेंसिव इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा डीप में आप लोगों को जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैन पावर ज़्यादा चाहिएगी, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आपका। तो ये मेथड कहाँ पे यूज़ होता है, मोस्ट ऑफ जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है, छोटे इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो इस टाइप का मेथड कंडक्ट नहीं कर पाते, बड़े लार्ज एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते, स्मॉल एरिया में भी उनको सोचना पड़ता है, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट होती है इसके पीछे। तो हमने क्या कहा, ये मेथड क्या होता है, कॉस्टली होता है, और क्या कहा हमने कि इसको कौन यूज़ करता है, मोस्ट ऑफ क्या, तो गवर्नमेंट यूज़ करती है इस मेथड को, या फिर जो बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो बड़े संस्थान होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ये मेथड वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे आपको कोई स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इन्वेस्टिगेशन करना है। नेक्स्ट आता है बेटा लार्ज मैन पावर। हमने कहा सेंसस मेथड रिक्वायर्ड लार्ज मैन पावर, ट्रेनिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एनुमेरेटर्स बिकेम एसेंशियल विच इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस। अब आपने क्या किया, जब आप सेंसस मेथड इंडिया में कंडक्ट करते हो तो ऐसा तो है नहीं कि एक पर्सन जो है वो हर एरिया में जाता है, ऐसा तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करने में। तो क्या होता है, ऐसे होता है ना कि जो नज़दीक नज़दीक के जो पर्सन्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको अपॉइंट कर दिया जाता है एज ए एनुमरेटर। वो क्या करता है, अपने जो रिलेटेड एरिया जो उसको दिया गया है वहाँ से इन्फॉर्मेशन कंडक्ट करता है और गवर्नमेंट जो है उसके पास भेज देता है। तो आपने क्या कहा, इसमें क्या होता है, आपको देखो आपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स को पहले ट्रेंड किया कि इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है, फिर उसके बाद में उनको अपॉइंट किया, वो घर घर जाके इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है, क्या हो, बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, भारत छोटा देश नहीं है, बहुत सारे एनुमरेटर्स को आपने अपॉइंट किया ताकि वो सब लोगों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकें। तो क्या हुआ, लार्ज मैन पावर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट का नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। हमने कहा इफ द यूनिवर्स कॉम्प्राइज द लार्ज नंबर ऑफ आइटम्स देन इट मे बी पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी आइटम, मे नॉट बी पॉसिबल टू कवर ईच एंड एवरी आइटम। सेंसस मेथड बिकम्स पर्टिकुलरली इन
इनऑपरेटिव इन सच सिचुएशन, जहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का जो फील्ड है अगर वो बहुत लार्ज है तो सेंसस मेथड जो है प्रॉपरली ऑपरेट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो ज़रूरी तो नहीं जो इन्वेस्टिगेटर जो है वो इतना कुछ कर पाए, तो क्या रहता है ये लार्ज एरिया में सुटेबल नहीं होता। इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ही यूज़ किया जाता है ये मेथड मोस्ट ऑफ, या फिर जो बड़ी इंस्टीट्यूट्स होती हैं उनके द्वारा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू दैट व्हाट इज सेंसस मेथड, व्हाट आर इट्स स्टेबिलिटी एंड व्हाट आर इट्स मेथड एंड डीमेरिट। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड सैंपल मेथड। ठीक है, थैंक यू।